ये है जी शुभम का दूसरा फार्म, ये इसकी जहाँ पर इधर जमीन है। गांव कौन सा पड़ता है? सिरचंदी। सिरचंदी, सिरचंदी गांव है जी। हाँ शुभम, क्या हाल है तेरा? जी सर बढ़िया। कहाँ से ट्रेनिंग की थी एक बार फिर बता दे। सर जैक जनरेशन पिग फार्म पंजाब। ठीक है जी। और ये मैं बताना चाहता हूँ भी शुभम का ये दूसरा फार्म है और ब्रीड आप देखोगे, मैंने तो देख ली, आपको दिखाता हूँ। शुभम चल दिखा भी अपना फार्म जी। आगे में क्या बनाया है? ये इसका फीड रूम है जी, जहाँ पर ये बैठता है यहीं सोता है जी। इसका फीड रूम भी है और मैं आपको ब्रीड दिखाता हूँ, अभी आप मान जाओगे। हाँ जी शुभम, अच्छा बच्चे विनिंग करवाने के बाद। ठीक है आगे चल, फीमेल ही दिखा पहले। ये सारे जितने भी ट्रेनिंग स्टूडेंट अपने मेरे पास ट्रेनिंग करके आए थे, ये सारे पास पास गांव की हैं, ये सारे खड़े हैं इसी फार्म में। ये इसके फार्म का है शान, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला शान के ऊपर डिपेंड करता है ये, शान इसका बहुत ज़बरदस्त है। ब्रीड सबसे बड़ी बात ये है कि फार्म सिर्फ ये बिल्कुल छोटा फार्म है जी। आप देखो यहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म, मेरे हिसाब से ये 30x40, ये 30x40 का फार्म है और बिल्कुल छोटा। चार रूम ये हैं बिल्कुल छोटे और एक वो बड़ा, एक ये छोटा। अभी मैं ब्रीड दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बड़े फार्म कर लेते हो आप, घेरा छोड़ देते हो। ये देखो ये बच्चे देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा है सफाई और बच्चों में कितनी प्योरिटी है। साथ में ये फीमेल देखो ब्याने वाली है, दो दिन रहते इसके, और इस फीमेल ने दिए हैं 9 बच्चे। वो सामने देखो आप, 9 बच्चे दिए हैं इस फीमेल ने। आगे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो किसी ने इसी फीमेल के जो बच्चे हैं ये आगे फैटनिंग के लिए रेडी कर रहा है। ज़्यादा बड़ा जब आप काम कर ले तो फिर चक्कर पड़ जाता आपको। ये देखिए कितने दिन के बच्चे हैं ये? 4.5। कितने के? 4.5 महीने। 4.5 महीने के बच्चे हैं। देख ग्रोथ देख लो जी, 65 से 70 के। ये अपनी फीड बनाकर डाल रहा है जो हमने इनको ट्रेनिंग में बताई थी। आगे आ जाओ, ये फीमेल ब्याई है जी। कितने बच्चे इसके साथ? 8 बच्चे हैं जी। बच्चे पूरे हेल्थी हैं। ये कितने हैं जी? 7 बच्चे ये हैं। ग्रोथ आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा फार्म करने से आप ज़्यादा बड़ा फार्म बना देते हो, उसके बाद फीड के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ वहाँ जब ख़त्म। ये शुभम का दूसरा फार्म है, ये अपने सहारनपुर और रुड़की के बीच में फार्म पड़ता है। गांव कौन सा था? सिरचंदी है। सिरचंदी, सिरचंदी गांव है। इस दो फार्म है इसके, और एक पहले इसकी आप देख चुके हो आप। ये है शुभम, क्या कहना चाहता है तू नवे फार्मरों के लिए बताओ शो? फार्म अगर किसी को करना है तो पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके अदरवाइज उसके बिना नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो लॉस में जाओगे। ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं, बड़ा फार्म नहीं करना चाहिए, अपने बजट के हिसाब से फार्म करना चाहिए। जितना आपका बजट हो उतना फार्म करो। और ये देखो ये 5x5 फुट के जी, ये 5x5 फुट के 4 खाने हैं, 20 और आगे 10-30। ये 30 फुट लंबा है और 30-35 फुट छुप मैंने बनाया है। अभी ये चौड़ा है, देख लीजिए कितना बढ़िया और कितने ज़्यादा अच्छे जानवर इस फार्म में ये परवरिश कर रहा है। इसने बहुत अच्छे तरीके से अपने पशुओं की केयर की है। बच्चे आप देख सकते हो काबिले तरीफ बच्चे हैं इसके। ठीक है फार्मर भाइयों, ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे, अपने सारे स्टूडेंटों का फार्म विजिट करते रहेंगे। धन्यवाद। फार्मर भाइयों नमस्कार, आपने ये सारा लोकेशन देखी, ये आप साथ देख सकते हो, ये सामने शहर है हमारा बिल्कुल सामने। ये देखिए ये सामने जितना भी देख रहे हो सामने आपको रहायशी एरिया दिख जाएगा। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर बल्कि आधा किलोमीटर के ऊपर ये रहायशी एरिया और ये शहर का बाईपास है। जो लड़के हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं, ये हमारा फार्म है, ये हमने जो ये हमारा पहला वाला है और ये हमारा नया है। उसके बाद ये आप हमारा बाल वाला भी देख सकते हो। ये देखिए अब यहाँ पर ये सेफ्टी टैंक है और ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पर ये चारों ओर यहाँ पर कॉलोनी वगैरह है, कॉलोनियों के बीच बैठे हैं बिल्कुल। जो लड़के हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं वो हमारा, ये हमारा घर है। काफ़ी फार्मर पूछते हैं
कि सर हम रहेंगे कहाँ, तो ये सामने देखो ये हमारा घर है, ये हमारा जहाँ इधर जैसे हम खेत वगैरह हमारी एग्रीकल्चर लैंड की तरफ निकलते हैं, ये हमारा रास्ता है जाने का, और यहाँ से धीरे धीरे ये हमारी फार्म की है एंट्रेंस, और उसके बाद शहर का बाईपास है हमारे यहाँ पर सरहंद स्टेशन बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के ऊपर है, और उसके बाद पटियाला हमारे से 30 किलोमीटर है, अम्बाला शहर हरियाणा का हमारे से 40 किलोमीटर, और चंडीगढ़ हमारे से 35-35 किलोमीटर है।